81 कॉम्बिनेशन के सीरीज में दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगी मूलांक 4 और भाग्यांक 1 के बारे में, यानी कि ड्राइवर नंबर 4 और कंडक्टर नंबर 1 के बारे में। दोस्तों किनका होता है मूलांक 4 एंड भाग्यांक 1? तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22 और 31, उनका मूलांक हो गया 4। और डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर को कैलकुलेट करके हम सम टोटल करते हैं और उसे 1 डिजिट पे लाते हैं। अगर 1 आ रहा है तो भाग्यांक हो गया 1, यानी कि कंडक्टर नंबर 1। इनके लिए पंच लाइन है, रंग से राजा। दोस्तों ये कैसे पर्सन होते हैं, इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सा नंबर सही है इनके लिए कौन सा नंबर गलत है, किन चीज़ों को करके इन्हें ग्रोथ मिलेगा और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इन सब विषयों पर डिस्कस करूंगी। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी इनके बारे में, लास्ट में हेल्पफुल टिप्स भी दूंगी। नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव। मैं समिता ऐसी न्यूमरोलॉजिस्ट आप सबको फिर से वेलकम करती हूँ अपने चैनल न्यूमरो ऑन में। नंबर 4 जिसका रूलिंग प्लैनेट है राहु, और नंबर 1 जिसका रूलिंग प्लैनेट है सूर्य। दोस्तों ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल नंबर है। दोस्तों राहु के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो श्री हरि विष्णु अमृत बांट रहे थे देवताओं के बीच में। उसी समय राहु नामक राक्षस भी जा करके बैठ गया तो श्री हरि विष्णु ने उनका गला काट दिया क्योंकि वो देवताओं के बीच में बैठ गया था। दोस्तों जो ऊपर का पार्ट था, सिर से ऊपर का पार्ट, वो राहु बन गया और धर केतु बन गया। तो राहु क्या है? माइंड। राहु डिल्यूजन है, डेविल है। ऐसे पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं, डेयरिंग होते हैं, स्टबर्न पर्सन होते हैं, ये किसी की सुनते नहीं है। दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ और ये बहुत सिस्टमैटिक भी होते हैं, किसी भी काम को सिस्टमैटिक वे में करते हैं। वो जिस काम को लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं और बहुत पावर होता है इनके अंदर। ये हार्ड वर्कर होते हैं, जितना पावर होता है शायद किसी किसी में इतना पावर होता है। दोस्तों ये किसी चीज़ में अगर लग जाते हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, हार नहीं मानते हैं लाइफ में। सक्सेस मिले या ना मिले फिर से वो दोबारा काम को स्टार्ट करते हैं और उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। दोस्तों ये डेयरिंग तो होते ही हैं और थोड़े मुँह फट टाइप के इंसान होते हैं, किसी को भी कुछ मुँह पर ही बोल देना, ये किसी और की नहीं सुनेंगे। जो ठान लिया एक बार उसे करना है तो करना है और अपने तरीके से करना है। लीडरशिप क्वालिटी तो होती ही है इनमें, इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा इनका माइंड कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये अपनी दिल की बात सबके सामने नहीं रखेंगे, अब बातों को रखेंगे भी तो घुमा फिरा करके रखते हैं, तो समझना उनको मुश्किल हो जाता है। अगर किसी को इनसे बात मनवानी है तो बहुत प्यार से इनसे बात मनवाया जा सकता है, अदरवाइज ये किसी की सुनेंगे नहीं। नंबर 4 है तो स्ट्रगल तो बहुत कराएगा और स्ट्रगल के बाद ही चीज़ें सही से निकल के आएगी। दोस्तों ये बहुत अच्छे शासक भी होते हैं, ये अच्छे से लोगों को मैनेज कर सकते हैं। ये पॉलिटिक्स के क्षेत्र में चले जाए बहुत बढ़िया करेंगे। दोस्तों इनमें इतना पावर होता है कि ये सिर्फ अपना दिमाग चला करके लोगों को हैंडल कर सकते हैं। आईटी के क्षेत्र में बहुत बढ़िया करेंगे। दोस्तों हैंड से रिलेटेड वर्क जितना भी होगा ये बहुत बढ़िया करते हैं। दोस्तों ये खाने पीने के शौकीन भी होते हैं और खाना अच्छा बनाते भी हैं। इनका माइंड बहुत एक्टिव होता है और ये दबंग टाइप के भी इंसान होते हैं। दोस्तों अगर ये पुलिस ऑफिसर बनते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, ये आर्मी में चले जाए बहुत बढ़िया करेंगे। तो ये अच्छे रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि फायर से रिलेटेड वर्क अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए। रेलवे में चले जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, अच्छे सेफ हो सकते हैं, ये शौकीन टाइप के इंसान होते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ें इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ये बहुत आगे जाना चाहते हैं। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इनके साथ होती भी है क्योंकि ये नंबर ही है रंग से राजा बनाने वाला। लेकिन आपका नेम आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज होना चाहिए, अदरवाइज उसी नंबर का निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। आपसे जो भी नंबर कनेक्टेड है, मोबाइल नंबर हुआ, घर का नंबर हुआ, आपके नेम का नंबर हुआ और आपके सिग्नेचर का भी नंबर, ये सारी चीज़ों को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आप अपने लिए एक पॉजिटिव रास्ता खोल सकते हैं।
और आप अपनी मेहनत की बदौलत बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्तों आपके लिए जो नंबर लकी है वो है 1, 3, 6 एंड 7 और आपके लिए जो नंबर अनलकी है वो है 2, 4, 9, 8 तो इनको अवॉइड करें। दोस्तों आपके लिए जो कलर लकी है वो है रेड, वाइट, येलो, ग्रीन और आपके लिए जो कलर अनलकी है वो है ब्लैक, डार्क ब्लू एंड ऑफ वाइट। आपके लिए जो डे लकी है वो है संडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। दोस्तों और आपके लिए जो डे अनलकी है वो है सैटरडे, मंडे एंड ट्यूसडे। दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल टिप्स, आप गाय को चारा खिलाएं, मीठी रोटी खिलाएं और सूर्य को सुबह उठ करके उसमें लाल फूल चंदन डाल करके जल दें, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आप बहुत एनर्जेटिक पर्सन हैं तो आप पसीना निकालें, खूब वर्कआउट करें। तो दोस्तों अगर आप मेरी बातों से रेजोनेट कर पा रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी अपना विचार जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।